दोस्तों, हिंद महासागर के अंदर शार्क का शिकार करने वाले शिकारियों ने हिंद महासागर में बसे मेडगास्कर के तट पर डायनासोर के काल की विलुप्त हो गई मछली को जिंदा पकड़ा है। चार पैरों वाली मछली की यह प्रजाति करीब 42 करोड़ साल पुरानी है। इस मछली को सियोकैंथ के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि शिकारियों ने शार्क को पकड़ने के लिए एक खास जाल का इस्तेमाल किया, जिसमें यह मछली पकड़ में आ गई। ये शिकारी शार्क के पंख और तेल हासिल करने के लिए गहरे समुद्र में विशाल जाल डालते हैं, ताकि जहां मछलियां इकट्ठा होती है वहां से उन्हें पकड़ा जा सके। यह शार्क समुद्र के अंदर 328 फुट से लेकर 492 फुट तक जाती है। माना जाता है कि मछली की यह प्रजाति 42 करोड़ साल पुरानी है। इस मछली को वर्ष 1938 तक विलुप्त माना जाता था। इस मछली के जिंदा पकड़े जाने पर वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं। बताया जा रहा है कि मछली के 8 पंख हैं। यही नहीं, इस मछली के विशाल शरीर पर विशेष धारियां भी बनी हुई है। दक्षिण अफ्रीका जर्नल ऑफ साइंस के एक शोध में कहा गया है कि शार्क के शिकार की वजह से सियोकैंथ मछली के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। शार्क मछली का शिकार वर्ष 1980 के दशक से तेज हो गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि शार्क को पकड़ने के लिए शिकारियों के जिलनेट बहुत खतरनाक खोज है। ये इतने विशाल हैं कि गहरे समुद्र में भी शार्क को फंसा लेते हैं। शोधकर्ताओं को अब डर सता रहा है कि मेडगास्कर में शिकारी जिलनेट से इस अद्भुत मछली का शिकार बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि मेडगास्कर में कोई संरक्षण उपाय नहीं किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में यह मछली यहाँ पर मौजूद है। शोध में कहा गया कि मेडगास्कर विभिन्न सियोलेंथ प्रजातियों के लिए केंद्र बन गया है। हालांकि वहाँ की सरकार इस शिकार को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं दिखाई दे रही है। इस मछली के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिखें।